हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं आपको क्या कहते हैं, आज ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ, अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन। तो देख के मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, आपको कैसी लगी मेरी ज्वेलरी? तो देखिए आप, ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये लहंगा साड़ी है। तो ये है तो प्रिया की, लेकिन शिवांगी को दे गई है वो पहनने के लिए। तो ये बताइएगा कैसी लग रही है आप लोगों को। ये भी अंदर रखी थी, मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा लो तुम पहन के देख लो, इसको पहन लो तुम, अच्छी बहुत लग रही है। ये पहले सितारे चलते थे ना, ये उसकी है और बहुत प्यारी लग रही है। इस पर बहुत भारी काम है, नीचे ये अभी पूरी दिखाई नहीं दे रही है, बहुत अच्छा काम है इस पर। और ये है देखिए शिवांगी की पाजेब, पाजेब का डिज़ाइन देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। देखिए ये पाजेब हैं और बहुत सारे सेट हैं, जिनमें से कुछ सेट ही आप लोगों को दिखा रही है, बाकी अंदर रखे हैं ना, सेफ में रख लेती, थोड़े थोड़े बॉक्स में उठा कर रख रखे हैं, तो बॉक्स में से नहीं निकाले हैं अभी फ़िलहाल। तो आप लोगों को अलमारी में से ही दिखा रही है। ये है शिवांगी की तगड़ी, ये बांधने के लिए कूल्हे पे। तो ये है, ये कैसी लग रही है बताइए आप लोग। ये साइड से लगाने की है ना, कुछ लोग तो आगे भी लगा लेते हैं घूमों के ऊपर, कुछ लोग ज़्यादातर कूल्हे पर साइड से लगाते हैं। तो ये तगड़ी है और ये देखिए ये सेट है, ये शादी में लिया था, अभी इनके देवर की शादी हुई थी उसमें लिया था इन बहन जी ने। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बहुत सारे सेट लिए हैं ना, अभी पिछले साल हमारे घर में ना बहुत सारी शादी हुई थी, 3-4 शादी मेरे परिवार में से ही हुई थी। तो उन सब में शिवांगी ने जो जो इसे अच्छे लगे सेट और साड़ियाँ ली थी, तो ये उनमें से कुछ सेट जो लिए थे ये उनका कलेक्शन है जो आप लोगों को दिखा रही है। तो ये आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ये देखिए ये वाला सेट स्टोन का है, ये खाली सेट, पूरा सेट स्टोन का है और बहुत से इनके पास देखिए ऐसा सामान है। देखिए ये जो है ना इनका, ये लॉन्ग वाले जो बहुत सारे पेंडेड वाले हार चल रहे हैं ना, वो है ये। तो ये भी शिवांगी के पास कई सारे हैं और चोकर भी है उसमें गले में पहनने का। ये तो चोकर है, देखो ना ये चोकर है, ये इस तरह से पहनने का है। कैसा लग रहा है, ये भी स्टोन वर्क है इसमें भी। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, कौन सा सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भी बहुत कुछ है इनके कलेक्शन में जो ये आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये बेंदा यानी कि ये हैं टीके, और टीके पे देखिए अगर आपको इस तरह से टीका रोकना है ना अपना, ये हिले ना इधर उधर, तो डबल टेप आता है ब्यूटी पार्लर और जनरल स्टोर सब पर मिलता है। तो जनरल स्टोर से आप लोग ले सकते हैं डबल टेप बोल के, तो उसे लगाते हैं ना तो वो उससे ये चिपक जाता है। और ये देखिए ये चोकर कैसा लग रहा है, ये मैंने ला के दिया था शिवांगी को, मैंने दिलवाया था मतलब इन लोगों को, जब ये लोग मेरे साथ घूमने गए थे, हम एग्जीबिशन देखने गए थे तो वहीं पे लिया था। और ये पेंडेंट वाले सेट देखिए, यहाँ पर ना ये बहुत मिल रहे हैं आजकल, तो एक जो इन्हें बहुत अच्छा लगा था ये इन्होंने लिया था अपनी पसंद से। और ये वाला सेट देखिए, ज़्यादातर शिवांगी के पास लहंगे हैं शादी में पहनने के लिए, लहंगा ही लेती है, इसको लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लहंगे पहनने की हैवी ज्वेलरी है, कैसी लग रही है? इससे ज़्यादा हैवी तो खैर हमें अच्छी भी नहीं लगती। और ये सब सेट के साथ ना एक एक टीका है, तो टीके अलग से लगा के देख रही थी, वो कैसा लग रहा है टीका। और देखिएगा और दिखाऊँ मैं आपको, ये भी टीका है, टीके कई सारे हैं, नीचे भी रखे हैं और ऊपर भी, इनके कमरे में इनके पास भी हैं और मेरे पास भी हैं टीके। इनके ऊपर नीचे रहती ना इनकी ज्वेलरी, कभी नीचे ही पहन ली कभी ऊपर पहन ली। ये है और ये देखो भाई, ये भी है, ये छोटा सा बिंदा अच्छा लग रहा है ये मेरे को। तो इनमें जो लाल रंग के बड़े बड़े स्टोन लगे होते हैं ना या ग्रीन कलर के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये हार मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये गले में पहनती ना, और जब साड़ी या लहंगा साड़ी पहनती है लहंगा पहनती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। और देखिए इनके बैंगल्स का, तो ये कड़े के जो सेट है, ये राधा कृष्ण की वो तस्वीर लगी होती है ना, इनमें मूर्ति लगी होती है, छोटी छोटी मूर्तियाँ सी बनी होती हैं और किसी किसी पे तस्वीर लगी होती है। तो ये वो कड़े हैं, वैसे कड़े हैं इन पे, तो ये शायद इन्होंने मथुरा वृंदावन से लिए थे वो वाले हैं। तो इस तरह के बहुत से आते हैं, है ना, आप लोगों के पास भी हम शायद, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं बाज़ार में, गोल्डन कलर के बहुत प्यारे लगते हैं। तो रेंज तो देखिए सबकी अपने हिसाब से होती है, अभी आप ये सदर बाज़ार से लो तो ये 150-200 के आ जाएंगे, अगर ऐसी बाज़ार से लो तो ये 250-300 तक के आ जाएंगे,
और अगर आप दुकान पे जाओगे लेने तो ये 500-700 के मिलेंगे। ये है ज्वेलरी का, तो ये है कि जहाँ जैसी पड़ जाए। ये हैवी इयररिंग्स है, ये देखिए इस तरीके से है। ब्लू सेट है, पायलें हैं, ये देखिए आप। चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं सब्जी। सब्जी बना रहे हैं, देखिए सोया चाप। सोया चाप बनाने के लिए ना ये भिगी हुई जो सोया चाप आती हैं मार्केट से मंगा ली हैं, और उन्हें मैंने स्टिक पर से उतार लिया था। उतारने के बाद ना देखिए ये निकाल दी थी मैंने इसकी सारी स्टिक, और उसके बाद इनको ना गोल गोल काट लिया था, छोटे पीस कर लिए थे। बड़े पीस को ना फिर खाते समय तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको छोटे पीस में कट कर लिया है। और ये डाल दी है तलने के लिए, तेज़ आँच पर तलिएगा इनको, क्योंकि अगर आप स्लो गैस पर तलेंगे तो बहुत ज़्यादा कैड़ी हो जाएंगी, जो खाते समय स्ट्रेचेबल टाइप की हो जाएगी, खुलेगी नहीं। और ये रख दिया है मैंने कुकर में, देखिए पानी इसमें डाल दिया है। एक आलू, उसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ सब्जी का मसाला जो होता है वो, हल्दी मिर्ची और गरम मसाला थोड़ा सा। और मैं इसके बाद भूनने के बाद ना सोया चाप मैंने इसमें डाल दी थी, और एक दो सीटी लगाऊँगी। और उसके बाद देखिए मैंने सौंफ, धनिया, राई, जीरा ये सब डाल दिया था, और उसमें हल्की सी प्याज डाल दी। इसे हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज का मसाला भूनने के लिए। प्याज का मसाला भूनेंगे, ये इस तरह से टुकड़ों में प्याज कटी होती तो बहुत अच्छी लगती है। और भाई मेरे कुकर में भी सीटी आ गई है, तो ये मैं स्लो कर दूँगी, और मुझे इसमें कम से कम 4 सीटी लगानी है, क्योंकि मैं इसको ओवर कुक करके बना रही हूँ, ये जल्दी टूट जाती है फिर, नहीं तो फिर वो खिंचती है। ये देखिए इस तरह से मसाला भुन रहा है, मैंने प्याज डाल दी है और मैं इसे भून रही हूँ, और थोड़ा जल्दी बनाना है, तेज़ आंच पे भून रहा है। तो देखिए थोड़ी देर में हमारी प्याज भी तैयार हो गई, भून के ब्राउन हो गई थी। और इसके बाद हमने इसमें डाल लिया है टमाटर का पेस्ट, अब हम इसको भी भूनेंगे थोड़ी देर। तो टमाटर का पेस्ट भून रहा है और मसाला हो गया है तैयार, काफ़ी हद तक तैयार हो गया है मसाला। इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, बस यही सब डालकर भून रहे हैं मसाले को। और अब इस मसाले में डाल रहे हैं हम, देखिए सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्ची, सब्जी मसाला, और साथ में डाल रहे हैं हल्का सा गरम मसाला और लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और मिर्च, ये दोनों मैं काफ़ी तीखी रखती हूँ। तो ये सब सामान मैंने इसमें डाल दिया है सारे मसाले, और उसके बाद हमें फिर इसे थोड़ी देर भुनेंगे, और जब ये मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा तब हम इसको रेडी कर देंगे ग्रेवी को, और इसमें डालेंगे सोया चाप। तो ये देखिए मसाला भुन रहा है, अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। कम से कम 10 मिनट मसाला भुनती मैं इस तरह का ना, इस तरह से जो बनाते, तो फिर उस मसाले को प्याज और टमाटर भूनने के बाद भी 8-10 मिनट तक भून लेते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें से ना, तो इसलिए मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मसाला भुनता रहता है, जब मसाला भुनते तब आँच को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो ये हो गया है मसाला तैयार हमारा, देखिए आप लोग। और इसमें मैंने ऐड कर दिए सोया चाप और आलू, आलू मन्नू के लिए डाला है। सोया चाप को हम थोड़ी देर इसी तरह से इसमें भूनेंगे, भूनने के बाद इसको तब पानी ऐड करेंगे। इस तरह से अगर आप सब्ज़ी भूनते हैं ना, तो उस सब्ज़ी में ना पानी निकल जाता है उसका, और मसाला मिक्स हो जाता है, नमक मिक्स हो जाता है। वैसे तो हमने बॉइल्ड करते समय इसमें नमक डाल दिया था, लेकिन फिर भी और अच्छी इसको बनाने के लिए ना, और टेस्टी बनाने के लिए इसको हम इसको थोड़ी देर मसाले में ही भूनते हैं। और मसाले में जब ये भून के तैयार हो जाती है, उसके बाद हम इसमें बॉयल्ड पानी रख लेती हूँ मैं, तो एक केतली खोला के ना पास में, फिर मैं उसको डाल देती हूँ। आप लोग कच्चा पानी डालते हैं या बॉयल्ड पानी डालते हैं बताइएगा मुझे ज़रूर। तो ये इस तरह से तैयार हो जाती है, और जब तैयार हो जाती है तो देखिए क्या लुक निकल के आता है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी देर से बॉयल्ड हो रही है सब्ज़ी, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी जब और बॉइल्ड होगी तो। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, वो बहुत ज़रूरी है, और 4 मिर्च।
चार मिर्च आप ना पहले से मत डालिए, जब आप उतारने वाले हों उससे सिर्फ एक दो मिनट पहले डालिए, तब उसका टेस्ट देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये इस तरह से हो रही है तैयार, बनाकर देखिए, इस तरह से आपको बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए काफ़ी हद तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है और ये मैंने उतार ली है डोंगे में। देखिए आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी सोया चाप। और इस तरह से बनाने से इसका टेस्ट बहुत बदल जाता है, आप लोग बना कर देखिए, आप लोगों को भी शायद अच्छी लगे। ये देखिए ये फुल तैयार हो गई है। ये उसके बाद है हरा धनिया और कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये मिर्ची जो हाफ बॉइल्ड डाली है ये इस तरह से डालिए आप लोग, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। इस तरह से एक बार बना कर देखिए, आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आप लोग देखते रहिए इसी तरह से। अच्छा शिवांगी को भी कुछ कहना है आप लोगों से, तो लीजिए सुनिए क्या कहना चाह रही हो ये। हाय गाइस, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने क्या कहते हैं ज्वेलरी सेट का कलेक्शन दिखाया है आपको। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट्स में जाके क्या कहते हैं कि आपको कैसा ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगता है, कैसी मतलब बैंगल अच्छे लगते हैं तो बताइएगा उसमें कि मैं क्या सेट अपने लिए 30 पे लूँ। ठीक है, थैंक यू। शिवांगी को कंफ्यूजन है ना तीज के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, तो बताइएगा आप लोगों को इसकी कोई ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में बताइएगा। ये शिवांगी ने खुद अपने आप अपनी वीडियो बनाई थी, ये थोड़ी सी डालने के लिए दी थी मुझे, मम्मी ये क्लिप डाल देना, मैं भी देखना चाहती हूँ मैं तीज पर क्या पहनूँ। अपने आप तो सब पहनते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन किसी के कहने से कोई पहनता, तो अगर इस पर कोई साड़ी का या किसी ज्वेलरी का वो आएगा कमेंट तो वो पहनेगी शिवांगी तीज पे। आप लोग बताइएगा अगर आपके पास समय है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह मिलते रहिए।